हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशन वाइड होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, जिसको कंडक्ट कराएगा NRA। इसका मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। दोस्तों, जब एक एस्पिरेंट किसी एग्जाम की तैयारी करता है, जैसे कि SSC, RRB, IBPS, तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 एग्जाम के फॉर्म भरता ही है, और इन सभी 4 से 5 एग्जाम्स के लिए उसको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग पेमेंट करनी पड़ती है, एग्जाम का सिलेबस भी अलग होता है, यहाँ तक कि एग्जाम सेंटर्स भी अलग अलग होते हैं, और इन सभी एग्जाम्स में उसको अपियर होने के लिए अलग अलग भटकना पड़ता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए CET एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि आपका समय, पैसा, आपकी एनर्जी, इन सभी को बचाया जा सके। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पहली बार केंद्रीय बजट 2020 को प्रस्तावित करते हुए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को जारी किए जाने की बात कही थी, और फाइनली NRA को क्रिएट करने का अप्रूवल मिल चुका है फॉर दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि NRA क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज अ मल्टी एजेंसी। देखिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, SSC, RRB और IBPS, इन सभी डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स NRA का हिस्सा होंगे, और NRA कंडक्ट कराएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट मीन्स CET, टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द ग्रुप B&C नॉन टेक्निकल पोस्ट। और ये एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड में फॉर द रिक्रूटमेंट टू नॉन गैजेटेड पोस्ट। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्ट क्या होती है। अगर हम बात करें गैजेटेड पोस्ट की, तो ये होती है आपकी ग्रुप ए की पोस्ट। बात करें गैजेटेड ऑफिसर्स की, तो ये होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल लेवल रैंक्ड पब्लिक ऑफिशियल्स। और इन सभी ऑफिसर्स के पास एक अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है, ऑफिशियल स्टैंप इनको मिलती है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यू कैन से गवर्नर ऑफ स्टेट। और अगर हम बात करें नॉन गैजेटेड पोस्ट की, तो ये होती है आपकी ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, गैजेटेड पोस्ट के अंदर एक ऑफिशियल स्टैंप मिलती है, एक स्पेशल अथॉरिटी मिलती है, लेकिन नॉन गैजेटेड पोस्ट में जो ऑफिसर्स बनते हैं, उनको यहाँ पर वो पावर नहीं मिलती। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट CET एग्जाम के थ्रू क्वालिफाई होंगे, उन सभी को इन 3 डिपार्टमेंट्स में एब्जॉर्ब किया जाएगा, यानी कि उन सभी कैंडिडेट्स की जॉब इन 3 डिपार्टमेंट्स में लगेगी। पहला है RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, दूसरा है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और तीसरा है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस एग्जाम के थ्रू आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब यहाँ पर मिल सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, RRB के यहाँ पर 2 एग्जाम है, पहला है ग्रुप डी का और दूसरा है NTPC का। इसके बाद आता है SSC। यहाँ पर आपको 4 तरह के एग्जाम है, इनके अंडर आपको जॉब मिल सकती है, SSC CGL, SSC CHSL, SSC MTS, और आखिर में आता है SSC GHT, और आखिर में आता है IBPS बैंकिंग। तो दोस्तों, CET एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है। और दोस्तों, CET एग्जाम ग्रुप ए जॉब्स के लिए वैलिड नहीं है, जिसमें ऑफिसर्स बनते हैं IAS, IPS, IRS और स्टेट PCS ऑफिसर्स। तो इस तरह की जॉब जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आती। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन की। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको देना पड़ेगा CET एग्जाम, तो यहाँ पर आपको एक स्कोर मिल जाएगा। ये स्कोर जैसे ही आपको मिल जाता है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद आपका Tier 2 या फिर Tier 3 एग्जाम हो सकता है। ये डिपेंड करेगा जिस डिपार्टमेंट में आपको जाने हैं, या फिर देखिए, ये सारी बातें आपकी अभी क्लियर नहीं है कि डिपार्टमेंट खुद आपको अप्रोच करेगा, या फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में एनरोल करना है। तो दोस्तों, ये सभी बातें आने वाले समय में क्लियर हो जाएंगी कि Stage 2, Stage 3 या फिर हम कहें Tier 2 या फिर Tier 3 कंडक्ट कराया जाएगा या फिर नहीं। और हाँ दोस्तों, आपको इस बात को समझना होगा कि ये एग्जाम 2020 में तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि NRA को पूरी तरीके से डेवलप होने में, स्ट्रक्चर को तैयार करने में कम से कम 1 साल का समय तो लगने वाला है। तो आप मान के चलिए कि ये एग्जाम आपका 2021 में ही पॉसिबल होगा, और हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आपका सेकेंड हाफ में पॉसिबल हो पाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें CET स्कोर की वैलिडिटी की,
तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो स्कोर है ये वैलिड होगा सिर्फ 3 साल के लिए, उसके बाद आपको दोबारा से ये एग्जाम देना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ईच कैंडिडेट विल हैव टू एडिशनल चांस टू इम्प्रूव हिज और हर स्कोर। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है, आपका स्कोर कम है, तो आप दोबारा से इम्प्रूवमेंट के लिए ये एग्जाम दे सकते हैं। बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट की, तो आप देख सकते हैं देयर इज नो बार ऑन अटेम्प्ट। इसका मतलब है कि आप मल्टीपल टाइम इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन अभी एज क्राइटेरिया यहां पर फिक्स नहीं किया गया है। तो जैसे ही एनआरई का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको मालूम चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया होने वाला है। और आखिर में हम बात करते हैं सिलेबस की, तो एज सच अभी कोई सिलेबस यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, तो आप मान के चलिए कि सिलेबस भी आपका यहां पर बदला बदला हुआ हो सकता है, क्योंकि आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी में जो भी एग्जाम होते हैं उनके फॉर्मेट सबके अलग होते हैं, तो यहां पर जो फॉर्मेट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो आप मान के चलिए कि यहां पर जो फॉर्मेट होगा, सिलेबस होगा, वो आपका बिल्कुल चेंज होगा। बिल्कुल चेंज से मेरा कहने का मतलब है कि जो फॉर्मेट होगा वो आपका बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है, वैसा फॉर्मेट नहीं होगा। जो टाइमिंग होगी वो आपकी अलग हो सकती है। बात करें हम टॉपिक्स की, तो टॉपिक्स आपके काफी सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव किया जाए। बदलाव से मेरा मतलब है कि टॉपिक्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।